उस इमारत को मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहता हूं कि कल या परसों जब आप लोग कहें, मैं आप सबको वहां पर लेके चलना चाहता हूं, आपके साथ मैं दौरा करना चाहता हूं। आप देखिए कि सारी इमारत जर्जर हो चुकी है, पिछले 8-9 साल से इमारत जर्जर हो चुकी है। पुनर्वास सबका होना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से पुनर्वसन एयरपोर्ट के अगल बगल से ताबड़तोड़ होना चाहिए, लेकिन जो कानून है उस कानून के तहत और उनको जो बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए, जो सहूलत मिलनी चाहिए, वो सारी सहूलत देने के बाद उनका पुनर्वसन वहाँ पर किया जाए। हमारी मांग है कि वो सारी बिल्डिंगों की स्ट्रक्चरल ऑडिट होनी चाहिए, ताकि बिल्डिंग जर्जर तो नहीं है, गिर तो नहीं सकती है, वहाँ पर रहने के जाने के बाद लोगों की जान का खतरा तो नहीं होगा, बेसिक एमिनिटीज नागरिक सुविधा वहाँ पर अभी तक नहीं आई है, ना पानी का कनेक्शन है, ना सीवरेज कनेक्शन है, ना वहाँ पर लिफ्ट चालू है, ना बाकी की जो नागरिक सुविधा जो उस कम्प्लेक्स में बनाया गया था, प्लान के अंदर दिखाया गया है, वो सारी चीज़ अभी वहाँ पर नहीं हुई है। तो ये इसकी हम मांग करते हैं कि ये सारी का सारा स्ट्रक्चरल माहौल पार्ट टू से भी बदतर है, क्योंकि एक स्लम और झोपड़पट्टी से निकलकर आदमी दूसरे वर्टिकल स्लम में जाएगा और उसकी जान खतरे में रहेगी, कभी भी धोखा हो सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि सभी बिल्डिंगों की स्ट्रक्चरल ऑडिट होनी चाहिए, सारी नागरिक सुविधा उनको मिलनी चाहिए, और 2011 तक के लोगों को संरक्षण देने का जो नागपुर में बिल पेश हुआ था, कायदा बना है, उस कायदे के तहत 100% लोगों का पुनर्वसन वहां पर किया जाना चाहिए। एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सर,